हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ, सुहाना भी ठीक है। बट सुहाना के पापा के जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल हम लोग गए थे मार्केट चिकन लाने के लिए, और जब वहाँ से आए तो पता नहीं हवा लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके वजह से कि किसके वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। और अभी हम लोग डरे भी बहुत है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और सुहाना के पापा बोल रहे हैं कि मतलब सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं। हम लोग गूगल किए ओमिक्रॉन का क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो दो तीन सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। पता नहीं क्या करे क्या ना करे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी सुहाना के पापा गए हैं वाशरूम, वो आते हैं फिर, मतलब उनको देंगे कढ़ा वढ़ा बना के, देखते हैं आज दो तीन बार, मतलब आज देखते हैं दो तीन घंटा सारे कुछ मतलब करके अपने घर में। हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फ्रेंड्स, क्या करें, फिर देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ दो तीन घंटे में भी नहीं ठीक हुआ, अगर सारे कुछ करेंगे कढ़ा वढ़ा बना के देंगे, है ना, वाफ वाफ लेंगे, और तब भी नहीं ठीक हुआ, थोड़ा सा भी अगर आसान नहीं हुआ तो हम लोग टेस्ट करवाने जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। उनको आइसोलेट करेंगे, दूसरे रूम में रखेंगे। अभी देखते हैं फ्रेंड, पहले दो तीन घंटा अपना घर का मतलब जो होता है इलाज करके देखते हैं। आ गए वॉशरूम से? पेट भी खराब है क्या? हाँ, पेट भी खराब है, क्या हो रहा है पेट में? ठीक है, मैं पानी ले आ रही हूँ, ठीक है, आप भाप लगा लीजिए, ठीक है, भाप लगा लीजिए थोड़ा सा, देखते हैं दो तीन घंटे में, अगर ठीक नहीं होगा तो चेक करवाने जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी आराम नहीं होगा तो। आप दो तीन घंटे आपको देखते, बुखार भी है आपको, है ना, ठीक है, आप भाप लगा लीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ, दो तीन घंटे देखते हैं फिर चेक करवाने जाएंगे। पहले फेस को कवर करिए ब्लैंकेट से, मत हटाइए, अभी सारा बाफ निकल जाएगा, ब्लैंकेट से कवर करिए, इसमें विक्स डालिए, जल्दी 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 ब्लैंकेट से कवर करिए फेस को। फिर इसको अनकवर करके विक्स डालिए, जब तक इसमें से बाफ निकलता है तब तक बाफ लगाइए मुंह में, जल्दी आंख बंद करके। अब हटा लीजिए, हाँ, जब तक भाप निकलता है तब तक लगाइए, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ पे भाप लगा रहे हैं, तब तक मैं वहाँ पर जाके इम्यूनिटी वाले जो होता है सूप वो बना के लाती हूँ, अदरक लौंग मरीच तुलसी पत्ता सारे कुछ डाल के, हल्दी सारे कुछ डाल के मैं अभी उनके लिए सूप बना के लाती हूँ, और फिर देखते हैं। सारे कुछ थुरा हुआ था जो थूर के हमने रखे थे वो डाल दिए, और ये है हल्दी, और ये है गुड़। अगर नॉर्मल सर्दी हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, जुकाम जो होगा नॉर्मल वो भी ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, देखते हैं। अभी डर बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, क्या करें। तो ये अदरक वाले सादा चाय बना के लिए आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। नहीं पी पीऊंगी। हाँ, एक सुहाना भी पिएगी, सुहाना के पापा, और मैं भी पी लेती हूँ, लीजिए सबसे सबसे ज्यादा वाला आप लीजिए, ये इस साइड का, हाँ वही लीजिए, आप वही लीजिए ना, ज्यादा वाले ये लीजिए, ये ज्यादा आपको जरूरत है, ये पकड़िए, और ये थोड़ा थोड़ा सा है, मैं और सुहाना ले लेती हूँ, सुहाना ठीक है, ये लीजिए, हाँ पियो, फूक के पियो, फूक के, क्या हुआ क्या हुआ, ताजा कढ़ा, हाँ कढ़ा ही है, कढ़ा है, चाय नहीं है, कढ़ा है, गुड़ डाल दिए, गुड़ लीजिए, गरम पानी में नमक डाल दिए, गर्गल कर लीजिए, लीजिए ना, बहुत आराम होगा।
लीजिए ना, ये गरम कर लीजिए, फिर खाएंगे। जल्दी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दवा लेके ऐसे ही कैसे ले ले आइए? चलिए ना, देख के लेंगे तो दवा देंगे। ये दुख रहा है। गर्गल करिए ना, गर्गल तो ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। आप चलिए ना डॉक्टर के पास, चलिए। चलिए ना प्लीज, गर्गल कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा आराम मिल जाएगा।